जी फरमाइए, आप कौन? आप वही है ना जो फैसल साहब के साथ मेरे ऑफिस आई थी कोर्ट मैरिज के लिए? कौन फैसल? किसकी बात कर रहे हैं आप हैं कौन? आई थिंक आप आई थी मेरे ऑफिस किसी के साथ। मैं भला किसी के ऑफिस क्यों जाऊंगी? आप बताएं आप हैं कौन? मैं अहमद रजा हूँ जी। आप प्लीज मिस हिना को कह दीजिएगा कि एडवोकेट अहमद रजा मिलने आए। आप हिना से मिलने आए? अरे आप यहाँ क्यों खड़े हो गए? अंदर आइए ना। और तो क्या तुमने गंद फैलाया और सारा गीला कर दिया? हटाओ सारी चीजें, आप अंदर आइए ना। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। हाँ कोई बात नहीं, आ जाए। ये कहाँ से टपक पड़े? मुझे फैसल को बताना पड़ेगा, कोई ना कोई हल देखना पड़ेगा। इन्होंने अगर आपको सब कुछ बता दी तो मेरा क्या होगा? दर्दाश्त किया दूध तो गई। जल्दी से फोन कर फैसल को। फैसल मेरे तो टेंशन से हाथ पैर फूल रहे हैं। और मैं तो अपनी किस्मत पे नाश कर रहा हूँ। ये क्या बकवास है? अब देखो ना, कहाँ तुम मुझे मुंह नहीं लगाती थी और अब घड़ी घड़ी मुझे कॉल्स करती हो। मेरा गुड लक नहीं है तो और क्या? ये सारी नहुसत भी तो तुम्हारी ही फैलाई हुई है ना। तो मैंने भेजा था वकील साहब को तुम्हारे यहाँ। मुझे तो सोच सोच कर ही हॉल उठ रहे हैं। अगर उन्होंने आपा को कुछ बता दिया तो? अरे यार कुछ नहीं होगा, उन्हें तो याद भी नहीं होगा, एक साल पुरानी वाली बात। तुम टेंशन नहीं लो। भूल है तुम्हारी, उस खबीस इंसान को सब कुछ याद है। हाँ तो साहब मुकर जाना ना। अच्छा बाय द वे, तुमने अपनी पहली शादी छुपाई क्यों इनसे? अरे ये हाजन भी और मेरी चची की अकलमंदी के कारनामे। कह रही थी कि 2 महीने तुम्हारी शादी रही है, क्या जरूरत है बताने की? 2 दिन ही क्यों ना रहे, लेकिन कोई छोटी बात तो नहीं है ना। अब तुम सही और गलत का सबक मत पढ़ाओ, ये बताओ कि करना क्या है आगे। क्या हो सकता है, सब तेल देखो और तेल की धार देखो। और अगर उन्होंने आपा को बता दिया तो क्या होगा मेरा? तो कह देना झूठ बोल रहा, वैसे भी उसके पास क्या सबूत है? बस दुआ करो ऐसी नौबत ही ना आए। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो, मैं शाम को तुम्हारे यहाँ चक्कर लगाऊंगा। किस खुशी में? अरे भाई बिलाल की बेगमात के लिए जो मैंने कपड़े भिजवाए थे, उनसे पूछने के लिए कि उन्हें पसंद आए कि नहीं है। कपड़े? कौन से कपड़े? अरे जो मैंने तुम्हारी सास के हाथ भिजवाए थे तुम लोगों को देने के लिए, उसने दिए नहीं क्या? उन्होंने तो कपड़ों का जिक्र तक नहीं किया, लगता है माँ बेटी दोनों दबा गई। एक नंबर की खड़ूस सास है तुम्हारी। अच्छा अब ज्यादा फजूल बातें मत करो, मैं तुम्हें खुद फोन कर लूंगी। अल्लाह हाफिज़। भाभी आप यहाँ क्या कर रही है? मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही हूँ। हाँ हीरा, मेरी दोस्त का फोन आया था ना, उसी से बात कर रही थी। अच्छा तुम ये बताओ वकील साहब चले गए या नहीं? अभी कहाँ, आपा इतना चीख रही हैं, उनके लिए नाश्ता लगाना है। आप प्लीज मेरी किचन में हेल्प कर देना, आए जल्दी चलिए। बहुत देर लगते हैं मुझे, वकील साहब इतने मशकूक से हैं ना। ये जो बाहर खातून थी ये आपकी क्या लगती हैं? मेरी भाभी हैं जरताशिया। किसी कजन के मैसेज होंगे? नहीं नहीं मेरा भाई है ना बिलाल, उनकी बेगम है। बिलाल की बेगम से तो कल हमारी मुलाकात हुई थी, आई थिंक उनका नाम मायरा था। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बिलाल की दूसरी बेगम है। बिलाल को पहली बीवी से औलाद नहीं हुई ना, बिलाल की पहली बीवी कजन है हमारी, बस इसलिए आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे तो ये भी आपकी कजन ही होंगी। नहीं नहीं इन लोगों को तो हम जानते भी नहीं है। तो इनकी भी क्या सेकंड मैरिज है? नहीं बिलाल की दूसरी शादी है, इसकी तो पहली शादी है, आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे वकील है ना, जरा करने की आदत है। वैसे आपकी वालदा नजर नहीं आ रही। अम्मी पड़ोस तक गई हैं, आपके लिए मैंने कबाब बनवाया है चाय के साथ, खाएंगे ना? अगर आपने बनाए तो जरूर खाएं। मैंने ही बनाए, फिर तो जरूर खाएंगे। क्या सोचा? किस बारे में? अपने लिए। अपने बारे में सोचना तो छोड़ दिया है मैंने। अगर आपने अपने लिए सोचना छोड़ दिया ही तो किसी और को इजाजत दे दें ताकि वो आपके लिए सोच ले। मतलब? एक तो आप हर बात का मतलब बहुत पूछते हैं। नालायक हूँ ना, चीजें मुझे थोड़ी देर से समझ आती है। अब हर बात के लिए लफ्जों का सहारा तो नहीं लिया जा सकता ना, कुछ बातें इंसान को खुद भी समझ लेनी चाहिए। वैसे मैं आपके जवाब का इंतजार करूँ। नहीं बात कर लीजिए, मैं वैसे भी डायरी लेने आया था सिर्फ।
कबाब फिर खा लूंगा, अभी सिर्फ आप मुझे डायरी दे दीजिए। आपकी डायरी। थैंक यू, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है, लव। ऐसी कौन सी आफत पड़ गई थी? हाँ, क्या भी बात कराना जरूरी थी? कह नहीं सकती थी मेहमान आया हुआ है, बाद में बात कर लेगी? अबा, वो भी तो रोज आ जाते और फिर जाने का नाम भी नहीं लेते। बदतमीज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हिना, वो वकील साहब आए थे, क्या कह रहे थे? वो इतनी जल्दी नहीं होते इन केसों के फैसले, अभी तो सिर्फ नोटिस भिजवाया है। अरे ऐसा ना हो बच्चे को लेकर फिर कहीं रफो चक्कर ना हो जाए खबीस इंसान। अब नहीं जा सकता वो कहीं। अब इतना भी भरोसा मत करो अपने ससुराल वालों पर। याद नहीं पूरा का पूरा खानदान गायब हो गया था बच्चा लेकर? तो क्या कर, उनके घर के बाहर सिक्योरिटी बिठवा दो? अरे एक तो हर बात में ना झुंझलाने लगती हो तुम। अच्छा खैर ये बताओ, शीजा को फोन किया था? किया था, तबीयत सही नहीं है उसकी। पता नहीं उसका बीपी आजकल क्यों हाई होने लगा है। अरे दिन भी तो करीब आ रहे हैं उसकी डिलीवरी के, और छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने लगती है वो। ना शुक्रिया अम्मी, और कुछ नहीं, इतने बड़े बंगले में रह रही इकलौती बहू बनकर, मेरी तरह ससुराल वालों के टुकड़ों पे तो नहीं पल रही? अरे हिना तुझे बैठे बिठाए क्या हो जाता है, हर बात में ससुराल को लेकर आ जाती है तू। अच्छा आप ये बताएं, हाजन बी के घर क्यों गई थी? तेरे रिश्ते के लिए। तो बैठे बिठाए आपको मेरी शादी का भूत क्यों सवार हो जाता है? कितनी दफा को? मैंने नहीं करनी शादी वाली। तो दफा हो मत कर, नहीं करनी तो ना कर। अगर आपने अपने लिए सोचना छोड़ दिया तो किसी और को इजाजत दे दें ताकि वो आपके लिए सोचे। सरताशा और फैसल के निकाह की पर हिना की भाभी कैसे कह सकती है कि वो मुझे जानती हैं, जबकि उस लड़की का नाम भी वही है। वो लड़की दो दफा मेरे ऑफिस में फैसल नामी लड़के के साथ आ चुकी है। लेकिन हिना ने ये क्यों कहा कि उसकी भाभी ये पहली शादी है? शायद उसे बताना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन सरताशा को तो पहचानना चाहिए। आखिर मामला क्या? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों क्या हुआ, तुम्हारी पुप्पी ने कोई नया शोशा छोड़ा है या हिना ने कोई बदतमीजी की? नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सरताजिया का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। वो कैसे भला? अम्मी जब से सरताजिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तब से तो पप्पा ने उसे महारानी बना दी है। सुबह शाम उसकी खिदमतें की जा रही है जैसे कि उसने मुकाबला जीत लिया हो। हाँ, तो माँ बनने का मुकाबला जीत लिया ना उसने, उन्हें दादी बनाने जा रही है, जाहिर है नखरे तो उठाएंगी उसके। लेकिन अम्मी इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे तो बेटा इसीलिए तुम्हारे अब्बा ने मना किया था तुम्हें ससुराल जाने को। सुल्तान के साथ रहना कोई आसान काम थोड़ी है, ऊपर से वो माँ भी बनने वाली है। मगर अम्मी बिलाल का रवैया तो मेरे साथ बहुत अच्छा है। हाँ एक दफा बच्चा हो जाने दो, फिर देखूंगी पूछूंगी तुमसे कि कितना अच्छा है वो। अम्मी आप मुझे डराए तो ना। अरे बेटा डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ मैं। बिलाल से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना रखना। अम्मी कमाल करती हैं आप भी, औरत अपने मियाँ से उम्मीदें नहीं लगाएगी तो किससे लगाएगी? मर्द जात का कोई भरोसा नहीं है बेटा। वो सियानी औरतें कहती हैं ना, मर्द सिरहाने का सांप है, पता नहीं किस वक्त डस ले। अम्मी आप खामा खा मुझे डरा रही हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी फोन बंद कर दी। अच्छा अच्छा फोन बंद करने से पहले मेरी बात सुनो, वो हकीम साहब की दवा तो खा रही हो ना तुम? जी अम्मी सुबह की तो मैंने खा ली थी और अभी की खाने जा रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, लेती रहना दवा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी करम करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा चलो मैं अभी फोन बंद करती हूँ, बात करती हूँ। हाफिज़। शुक्र है इरा, तुम्हारा
तुम्हारी बड़ी भाभी का एहतिकाफ भी खत्म हुआ, कमरे से बाहर निकली, वरना मुझे तो लगा था तुम्हारे भतीजे की खबर सुनकर बाहर ही आएंगी। मैंने तुमसे कितनी मरतबा कहा कि मुझसे इस तरीके से बात मत किया करो। वाह मायरा, वैसे तुम्हारी ना छोटी छोटी बात पे रूठने की आदत नहीं जाएगी, बड़ी बुरी आदत है ये। अगर किसी ने खुशखबरी सुना ही दिए तो बंदा आला जरफी का मुजाहरा करके मुबारकबाद ही दे देता है। जब तुम कम सरफों की तरह पूरी दुनिया में ऐलान करती फिरोगी तो कौन तुम्हें मुबारकबाद देगा? जो भी है, बाजी तो मार गई ना सरताजी। चार दिन की चांदी फिर अंधेरी रात। बद्दुआ दे रही हूँ मुझे? मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दे रही, बस इतना बता रही हूँ कि रहने के लिए चंद चीजों की जरूरत होती है, उसमें से एक चीज होती है औकात। अगर तुम उसी में रहो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। क्या 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 तुमने, फिर से बोलना जरा। ए, क्या शोर शराबा हो रहा है, क्या हो गया? आपकी बहू को और आपके होने वाले पोते को भर भर के बद्दुआएं दे रही है ये मायरा। ए, मायरा, तुझे ये तमीज सिखाई है तेरे माँ बाप ने? नहीं नहीं पुप्पो, मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी। तौबा तौबा, मुंह पे मुकर के कितना झूठ बोल लिया ये। क्यों इरा, क्या बोले इसने? चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। हाँ भाभी, वैसे आपने ऐसा ही कहा। अल्लाह ना करे मेरे बिलाल की किस्मत में फिर कोई अंधेरा आए, खुदा खुदा करके तो अल्लाह ने हमारी ये सुनी है, पर हसद करने वाले बाज नहीं आते। ये ना बिलाल ने मायरा का दिमाग खराब कर रखा है, मैं बता रही हूँ नौटंकी कहीं की। मुझे तो डर लग रहा है कि मेरे होने वाले बच्चे पे मुझ पे काला जादू ना करवा दे। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची ऐसी बातें मुंह से ना निकाल। सुन, मैं ना तुझे शाहजी के पास ले चलूंगी दम करवाने के लिए, फिर देखना इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। हाँ अम्मी, मैं तो जरूर जाऊंगी। अरे हिरा, वो शिजा का नंबर तो मिला कर दो, उससे बात तो करूँ, कहाँ मसरूफ है वो, इतने दिन हो गए उससे बात ही नहीं हुई। ऐसे क्या देख रही हो? ये बैठे बिठाए आपको दुबई जाने की क्यों पड़ गई? यार बताया तो था, डैड ने बिजनेस के किसी काम से बुलाया। मेरी कंडीशन देख रहे हैं आप, किसी भी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। यार दो दिन की तो बात है, पर मम्मी भी तो है घर पे और अमला भी है। क्यों, रमला नहीं जा रही आपके साथ? वो क्यों जाएगी बेटा? आजकल बिजनेस करने के तरीके जो सीख रही। नहीं नहीं, डैड ने सिर्फ मुझे बुलाया कुछ खास मीटिंग्स के लिए। मेरा ख्याल है कि मुझे भी दो दिन के लिए अपने मैके चले जाना चाहिए। क्या जरूरत है शजा, बिलाल के पास गाड़ी भी नहीं, तुम क्या टैक्सी पे धक्के खाती फिरोगी अगर कोई इमरजेंसी होगी तो? टैक्सियों पर भी इंसान ही सफर करते हैं। अच्छा अब नाराजगी खत्म करो, मैं नहीं चाहता कि तुम पे और मेरे बच्चे पे कोई बुरा असर पड़े। मैं काम खत्म करते ही फौरन वापस आ जाऊंगा। इतनी दूर जा रहा हूँ, क्या मुझे इस तरह खफा खफा भेजोगे? अच्छा छोड़े, मैं पैकिंग कर देती हूँ आपकी। नहीं, तुम आराम से बेड पे रिलैक्स करो और अच्छा अच्छा सोचा करो ताकि मेरे बेटे की सेहत पर अच्छा असर पड़े। ये हर वक्त मेरे सामने बेटा बेटा मत किया करें प्लीज। ओके बाबा, सो सॉरी, अब आइंदा से ऐसी बात कभी नहीं करूंगा। तो खुश हो जाओ, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अच्छा मेरे जाने के बाद अपना बहुत सा ख्याल रखना, ओके? हेलो रमला, कैसी हो? लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई हो, हाँ नजर ही नहीं आती। कहाँ आनी, जब से अंकल दुबई गए हैं ऑफिस में कुछ काम ही नहीं हो रहा, बोर हो गई हूँ मैं तो। हाँ ये तो है, रंधावा जी जब होते हैं तो सबको ही बिजी रखते हैं। सब क्या ढूंढ रही हैं डॉक्यूमेंट्स में? अरे वो रंधावा जी ने एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ढूंढने को कहा है, हारिस के साथ दुबई मंगवा रहे हैं, वो मुझे मिल के ही नहीं दे रहे। हारिस दुबई जा रहा है? हाँ तुम्हें नहीं पता? नहीं, उसने मुझसे तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। हाँ अब तुम शिजा तो हो नहीं कि मिनट मिनट की खबर तुम्हें वो दे। मिल गया, थैंक गॉड। आप ऐसा करें, ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दें, मैं अंकल को दे दूंगी। क्यों, तुम भी दुबई जा रही हो क्या? सोच रही हूँ कुछ शॉपिंग कराऊं, प्लस फहाद भाई और भाभी भी तो गए हैं, उनसे भी मिल लूंगी। तो तुम्हारे सारे प्लान हमेशा अचानक बनते हैं, तुम अगर चाहो तो मैं हारिस से कह के तुम्हारी टिकट करवा देती हूँ। नहीं नहीं थी, जल्दी क्या है, हारिस को निकलने दें, मैं
सोच रही हूँ रात की फ्लाइट ले रहा हूँ। तुम पता नहीं किन चक्करों में पड़ी हुई हो। रमला के चक्कर लोगों को जरा देर में ही समझ आते हैं, फिर चकरा के गिर जाते हैं। खैर, ये डॉक्यूमेंट्स तो मैं हारिस को दे रही हूँ, तुम्हारा जो दिल में आता है तुम करो। ओके, मैं जाके पैकिंग कर लेती हूँ। मैं निकाल दूं आपको? नहीं, निकाल लूंगा। ये बताओ, तुम गई थी अम्मी के साथ डॉक्टर के पास? इतनी जल्दी दोबारा जाने की क्या जरूरत है? फिर चली जाऊंगी कभी? जरूरत है तो ही कह रहा हूँ, बल्कि मैं कल ऑफिस से आके खुद ही ले जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अम्मी के साथ चली जाऊंगी ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? टेंशन तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन किस बात की ले रहा हूँ ये मैं बाद में बताऊंगा। क्या ढूंढ रही हो? मेरे दवाई का शॉपर यहाँ रह गया था, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, हिरा से पूछो, उसने कहीं रख दिया होगा। हिरा, मैं सुबह अपनी दवाई का शॉपर यहाँ भूल गई थी, क्या तुमने देखा है? हाँ भाभी, वो मैंने जरदारशिया भाभी को दिया था। कहाँ रखा?